यो तो भुवन बम भाई ने बोला है कि रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन करो, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, तो वो ऑब्वियस ही बात है यार, इस गाने की जबरदस्ती तारीफ करनी पड़ेगी यार। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ट्रू रहेगा ब्रो, यहाँ पे सब सच रहता है। Welcome to my channel, Sean says, and if you're watching me for the very first time, I would love it if you hit the subscribe button right now. I'm not going to be here, but also we can get you next day. You don't miss any video from my side. भुवन बम के गाने को रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप में से जिसको नहीं पता उसको मैं जरूर ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा भाई, मैं भुवन बम से पर्सनली मिला हुआ मेरे भाई, यस यस। और अगर आपने फोटो नहीं देखी है जो भुवन बम के साथ मैंने सेल्फी ली थी पर्सनली उनके होटल के रूम में जाकर, वो तुमने इसलिए देखी क्योंकि तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो, मत करो। गाना तो सुन लेते हैं, मतलब असल जिंदगी में तो इस रांझे को हीर नहीं मिल रही है, बाकी सुनते हैं। आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस सॉन्ग, बिकॉज जब मैंने सॉन्ग देखा था यूट्यूब पर तो जो मुझे दिख रहा था 30 मिनट तक 3 या 4 व्यूज दिखा रहा था, क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से व्यूज बढ़ रहे थे, और बाद में देखा तो मैंने देखा 450K व्यूज, और 450 को के ही करके लाइक्स हो रखे थे, तो इसका मतलब व्यूज वैसे भी लेट हो जाते हैं ना अपडेट होने में, तो इसका मतलब व्यूज बहुत सारी तादाद में आ चुके थे, और लाइक्स तो जल्दी अपडेट हो जाता है। राजा भुवन बम बम भुवन बम इज अ बम, यस इट्स गोना बी अ रोमांस। ढूंढ लाए सारी मासूम सी खुशियां, बहुत अच्छा लगा। चल पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां, मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा। ऑटोमेटिक हो रहा है स्माइल, आंखें मेरी सपना तेरा सपने सुबह शाम है, तू है सही या मैं हूँ सही किस पे इल्जाम है, ऐसी लगन बांधे हुए हूँ मैं खड़ा वहां, जिस छोर पे था झूठा मेरा हाथों से तेरे हाथ जिसने Beautiful.
ब्यूटी मैन ब्यूटी, दिस वाज अ ब्यूटी। कानों में इतना स्मूथी बोलते हैं, आई डोंट नो इट्स द राइट वर्ड और नॉट, इतना स्मूथ था कानों में सुनने में। और जैसे मैंने बोला कि ऑटोमेटिकली यार स्माइल आ रही थी चेहरे पे यार जब वो सुन रहा था, क्योंकि वो आवाज़ और वो सब। और मैं अभी बोलता हूँ ये चीज़, मैंने पहली बार ये गाना सुना है, ठीक है। और मेरा जो दूसरा चैनल है ना जिस पर मैं व्लॉग्स वगैरह डाल रहा हूँ, उसमें मैंने शॉर्ट कवर्स भी डाले हैं। इसका अगर मुझे इंस्ट्रूमेंटल मिलेगा तो मैं रॉ कवर सॉन्ग जैसे अपलोड करता हूँ ना, वैसे अपलोड जरूर करूँगा ये गाना, क्योंकि गाना मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने और बहुत सारे गाने रिएक्ट करे, लेकिन कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं आया कि यार सुना और मन करे कि यार ये गाने का मन कर रहा है। तो ये गाना सुन के मेरा गाने का मन कर रहा है। अगर तुमने मेरे पहले के रिएक्शन देखे हैं भुवन बम के जो मैंने किए हैं, तो तुम्हें पता है कि मैं क्यों उस बंदे को जेन्युइनली पसंद करता हूँ। तो वो चीज़ मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। आई लव दिस सॉन्ग। और ये बात मैं बोलना चाहूँगा, शायद आप इससे एग्री करो डिसएग्री करो, लेकिन जो पहले के जो गाने आए थे भुवन बम के और जो ये वाला गाना आया, इतना इम्प्रूवमेंट मुझे दिखा है। किस उसमें दिखा है मैं बताता हूँ। वीडियो लिखना वो सब इक्वल है, लेकिन जिस तरीके से गाया है, वो जो सुर पकड़ा है ना, अब मैं ज़्यादा टेक्निकल क्या बताऊँ, मैं बस जैसे जो जब एक लाइन ख़त्म होती है ना, जैसे कि मुझको बताया तू, तो जब गाना एंड होता है, वो एंड अगर परफेक्टली होता है ना, तो गाने में मज़ा आता है। और ये वाला गाना सुन के ऐसा हुआ कि मतलब वो जो भी ऊपर नीचे जो भी वो लास्ट में हरकत दी है, जितनी भी हरकत दी है, ब्यूटीफुल। और टू बी ऑनेस्ट, जब पहले के गाने जैसे मैंने सुने हैं, जो पहले के जो एक दो गाने आए थे, तो मुझे वो सिंगर वाली फील नहीं आ रही थी यार। आई एम सॉरी, कोई भी भुवन बम का फैन ये देख रहा है तो, रिवी गिवांस का फैन अगर ये देख रहा है तो, वो सिंगर वाली बात नहीं आ रही थी यार। ये गाना सुन के ना अब मुझे ये मैं प्राउडली बोल सकता हूँ भाई, ये ऐसा लग रहा है कि किसी सिंगर ने गाया है। इसके बाद मेरे हिसाब से मैं अपने उसमें से अपने नजरिए से पास करता हूँ भुवन बम को एज अ सिंगर। यू नो अभी तक मुझे वो, टू बी ऑनेस्ट, वो एक देखो क्या होता है, गाना हर कोई गा सकता है, राइट। लेकिन मैं भी गाता हूँ, ठीक है, मैं एनी बोल को मैं अच्छा गाता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं वो मेरी आवाज़ के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो सिंगर तो यार हर कोई है ना, सलमान खान भी सिंगर है, तुम भी बन जाओगे, हर कोई बन सकता है। लेकिन जो एक मन से फीलिंग आती है ना सिंगर, वो फीलिंग मुझे आज आ गया यार, वो फीलिंग मुझे आज आ गई जिस तरीके से गाना लिखा है, जिस तरीके से गाया है। Beautiful man, beautiful. I give thumbs up to this song. And if you like this video, if you like me at the end of this song, video to lyrical video tha hai. Please give a thumbs up and do share this video with all of your friends. Aur mera naya channel hai, usko subscribe kar lena. Koshish karunga iska, mujhe instrumental milega to ek se do din mein main ek raw cover jaise maine us channel pe dala hai, aap dekh sakte ho kaise dala hai, wo zarur iska ga ke main dalna chahunga yaar. Baki aap log zarur batana ki aapko ye gana kaisa laga, aur jo baat maine boli usse aap agree karte ho disagree karte ho, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज आप वो कमेंट सेक्शन में बताना, तो पता रहता है मुझे कि यू नो जो मैं फील कर रहा हूँ, क्या वो ही ऑडियंस फील कर रही है, मतलब क्या मैं बिल्कुल ही गलत फील कर रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ, तो वो क्लियर हो जाता है मामला। सो भुवन बम एंड रोहित भैया, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आई लव यू मैन। और आप लोगों से, हाँ आपसे मैं मिलने आता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। सो मेरा गेम सुन, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, डू समथिंग क्रॉस डट।